वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल से गाउन्स के रिव्यू, जिसकी रिक्वेस्ट आई थिंक मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे गाउन्स के रिव्यू अपने चैनल पे किए हुए हैं और आप लोगों ने बहुत ज्यादा उन्हें प्यार दिया है। तो आशा करूंगी कि आप इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिन से कि आप इन गाउन्स की या इन लहंगों का रिव्यू करें, तो अगर आप मुझे उनका लिंक शेयर कर देंगे, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, और यहाँ पे भी मैंने नाम मेंशन कर दिया है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर वहाँ पे मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ जो है उस चीज़ का रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। ऐसे मुझे आपके कॉमेंट जो है वो नहीं पता चलते हैं कि आप किस ड्रेस का या किस चीज़ का रिव्यू मुझसे पूछ रहे हैं या मांग रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि दी प्लीज़ आप इस वाले लहंगे का रिव्यू कर दो, तो वहां जाके वो लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा और वहां पे आप मेरे साथ लिंक शेयर कर दो। तो डेफिनेटली जिस भी आप ड्रेस का रिव्यू चाहते हैं मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग की वीडियो में ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो मेरे पास ये वाले जो भी हैं ये पर्सनली मैंने अपने लिए लिए हैं, तो मैंने सोचा चलो जब तक आप लोगों के लिंक आते हैं, आप लोग बताते हैं, तब तक जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन गाउन्स के साथ, कैसे लिए हैं मैंने, कैसा लगा है, तो रिव्यू प्लस ट्राई ऑन हॉल में इसका आपके साथ दिखाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे इस छोटी सी फैमिली के मेंबर जरूर बनिएगा और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ब्यूटीफुल से गाउन्स के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो ये रिव्यू जो है, मैंने जो ये गाउन्स हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। नॉर्मल जैसी पैकिंग होती है वैसी ही पैकिंग आई हुई है। इन्हें रिसीव करे हुए मुझे 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मैंने इन्हें अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करके उसके बाद इसे ओपन करके उसके बाद ही मैं आप लोगों तक इसका रिव्यू जो है वो कर रही हूँ। इस ये सब कुछ क्लियर करना इसीलिए मैंने पहले सही समझा, क्योंकि आई नो यहाँ पे कॉमेंट भी आ सकते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसी शॉपिंग और ये जो मतलब जिन्हें बोलना होता है वो कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हो कि आप इतना ज़्यादा बोलते हो, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो बिना बोले तो आई थिंक मैं आपको किसी भी चीज का रिव्यू या किसी भी चीज के बारे में नहीं बता पाऊंगी, तो इसलिए मुझे बोलना जरूरी होता है। और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे बिना बोले तो कोई काम नहीं है, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप इतना बोलते क्यों हो, आप पहले जो चीज़ है वो दिखाओ। मैं वो चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन अगर मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आई थिंक ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहला फर्स्ट जो है वो गाउन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये सारे ही गाउन जो है वो 600-700 के अराउंड में है, इससे ना तो कम के हैं और ना ही इससे ज़्यादा के हैं। तो रेंज आप मान लीजिए 600 से लेके 700 में है, जिसमें मैंने कॉटन वगैरह और भी मंगवाए हैं। गाउन्स मैंने बहुत सारे मंगवाए हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं मगर आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसमें जो कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने एक ये गाउन मंगवाया है, ये वाला, ये मिक्स कॉटन का जो कपड़ा नहीं होता, ये उस टाइप में है, ये वाला इस तरीके का। इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे साइड में इंसर्ट करूंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसकी 3/4 इस तरीके की स्लीव्स हैं और इस तरीके के इसमें ये फोल्ड किया हुआ है, ये मतलब फोल्ड इन द सेंस इसको सिलाई दी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं और इस तरीके से इसका नेक है, और ये आगे जो है इसमें बटन दिए हुए हैं। बहुत ही प्यारा कलर है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा। रेट वाइज प्राइस वाइज मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ही प्यारा मुझे ये रिसीव हुआ है। फुल लेंथ है, आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट अगर मैं इसकी बताऊं तो इसको 5.3, मेरी पर्सनली 5.3 है हाइट, और ये मेरे को हल्का सा मतलब मुझे हील पहनना होगा तब ये मेरे को फिट होगा, लाइक नीचे जो है उस तरीके से चलते टाइम प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर जिसकी हाइट 6 फीट की है, मेरे पास क्वेश्चन आया था 6 फीट के, इससे पहले मैंने जो गाउन्स के रिव्यू करे थे उसमें,
तो इस वजह से आई थिंक 6 फीट वालों को मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उनको आ जाएगा, बट शायद अगर वो हील ना पहने उसके ऊपर कैरी ना करें तो वो फ्लैट में आराम से इजीली आपको ये गाउन जो है वो आ जाएंगे 6 फीट तक के हाइट वालों के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स का भी मेरे पास कमेंट आया था कि दी हमारी हाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या ये इतने लंबे हैं कि हम लोग इसे गाउन को वियर कर सकते हैं। तो डियर आप फ्लैट स्लैप अगर इसमें फ्लैट वाला स्लीपर्स पहनेंगे फ्लैट पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर हील को कैरी करें तो हील के साथ ये थोड़ा सा आपको ऊंचा आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा बट प्रॉपर इसमें अच्छी खासी हमें हाइट जो है वो दी हुई है। मेरी हाइट के हिसाब से आप लगा लो कि मेरी 5.3 5.4 के बीच में है तो मेरे को आराम से ये आ जाते हैं। तो इसमें इस तरीके से ये प्लेट्स दे रखी हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ और बहुत ही प्यारा कलर लगा मुझको ये, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। और ये मुझे मैंने 600 में लिया है फिक्स और इनके रेट जो है वो अप डाउन चलते रहते हैं क्योंकि अभी कुछ ना कुछ सेल होती है तो कुछ 50 रुपीज अप भी हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें 50 रुपीज जो अप डाउन चलता रहता है, बट मैंने पर्सनली इसको सिर्फ और सिर्फ 600 में लिया है। इसमें इस तरीके से आगे जो है वो बटन है, आपको ओपन करना है ओपन हो सकती है। और इसके साथ मुझे बेल्ट भी रिसीव हुई है क्योंकि ये मेरे को ये एक ब्राउन कलर की इसके साथ बेल्ट रिसीव हुई है ये, क्योंकि ये बेल्ट वाला है। आजकल बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट के चौड़ी वाली जो बेल्ट्स वगैरह होती है उसकी तरीके का बहुत ज़्यादा आजकल फैशन चल रहा है तो उस न्यू यू नो ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने ये वाला मंगवाया था, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका लिंक अगर आपको लेना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और ये किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं है मेरा फ्लिपकार्ट के साथ, पर्सनली मैंने इनको खरीदा है और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपको तो फ्री में मिल रहे हैं तो आप तो रिव्यू करोगे अच्छा बताओगे, तो पर्सनली जिसे ट्रस्ट करना है तो ये मैंने पर्सनली खरीदे हैं अपने पैसों से और उसके बाद में इसका रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो जो सेकंड गाउन है वो मैंने ये वाला खरीदा है, इसकी लेंथ वगैरह आपको मैं दिखाती हूँ भी, ट्राई ऑन हॉल करके पहना हुआ है ऑलरेडी मैंने इसको। और ये वाला गाउन जो है ये अभी फिलहाल मैंने जब लिया है और जस्ट मैंने उस वाले गाउन का साइज नहीं बताया आपको, उस वाले गाउन का साइज जो है वो एम साइज है, मेरे को नॉर्मल आ रहा है, बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं आ रहा, आपने देखा होगा ट्राई एंड हॉल में। ये वाला जो है वो मैंने स्मॉल साइज का मंगवाया हुआ है, फिलहाल इस वाले गाउन में अभी जो है साइज अवेलेबल नहीं है, एक्सेल डबल एक्सेल इसमें साइज अवेलेबल है, आप चेक करते रहिए डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बट अभी ये वाला जो है गाउन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो मगर आप देखते रहिए चेक करते रहिए, ये इसका प्राइस जो फिक्स प्राइस था वो मुझे 700 रुपीज में पड़ा था। ये कुछ जॉर्जेट के कपड़े में है, इस तरीके का ये जॉर्जेट का कपड़ा है। इसकी पर्सनली मुझे इसकी स्लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लाइक बटरफ्लाई वाली कुछ, हाँ बटरफ्लाई वाली इनको स्लीव्स बोलते हैं ना, तो ये बटरफ्लाई वाली मुझे ये स्लीव्स ये बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही लाइट वेट है और समर्स के लिए पर्सनली ये ड्रेसेस जो है ये बहुत अच्छे हैं, इजी टू वियर हैं, आप फटाफट से इन्हें पहन के कैरी करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा लुक जो है वो
प्रेजेंट करते हैं ये गाउन, इसीलिए पर्सनली मुझे इस तरीके के गाउन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे को 700 में पड़ा था, इसके नीचे अस्तर वगैरह सारा कुछ है और बहुत अच्छा लगा, बट अभी इसमें साइज नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। क्या पता जब तक मेरा ये वीडियो जाए, जब तक इसका साइज अवेलेबल हो जाए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी आपको एक बार पूरा लुक दे देती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लुक देता है। वैसे आपने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया होगा, जान ही लिया होगा कि कैसा लुक दे रहा है, लेकिन मैं एक बार पूरा लुक आप लोगों के साथ जो है इसका शेयर कर देती हूँ। देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उसका लिंक जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, वहां पे शेयर करिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो यही थे आज के मेरे गाउन, इससे आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। बहुत सारी ब्यूटीफुल थी, मैंने जो शॉपिंग करी है बहुत अच्छी अच्छी थी, वो सारी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।